जय श्री राम। आप बहुत लंबे समय से आप चाह रहे हैं कि मेरी अमुक मनोकामना पूरी हो जाए, मेरी नौकरी से संबंधित मनोकामना पूरी हो जाए, या मनचाही कोई शादी हो जाए, या मेरा व्यापार चलने लगे, मेरा बिजनेस चलने लगे, या पुत्र से संबंधी किसी महिला या बहन बेटी की इच्छा है कि हमारे घर में कोई संतान हो जाए या हमारे घर में पुत्र पैदा हो जाए। एनीथिंग, कोई भी मनोकामना हो, किसी भी मनोकामना हो, कैसी भी मनोकामना हो, तो एक प्रयोग मैं आपको बता दे रहा हूँ। हनुमान जी का एक सिद्ध प्रयोग मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस प्रयोग को आप करें। कलयुग में जागृत देवता है हनुमान जी। हनुमान जी की ये प्रयोग एक ऐसे प्रयोग है जो कि सफल प्रयोग है, बड़े ही पावरफुल प्रयोग है। हनुमान जी की शरण में आकर जो भी साधक इन प्रयोगों को करता है, हनुमान जी शीघ्र उसके ऊपर अनुकंपा करते हैं और शीघ्र ही उसके सभी संकटों को दूर कर देते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो हनुमान जी का मनोकामना पूर्ति प्रयोग मैं आज आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से कैसे करना है। थोड़ा श्रद्धा विश्वास के साथ आपको थोड़ा समय आपके लिए आपको निकालना पड़ेगा हनुमान जी के लिए। अब आप इसका प्रयोग को करें। करना क्या है, किस तरीके से करना, वही पहले मैंने आपको जिस तरीके से बताया था। सर्वप्रथम आपको अर्जी लगानी अति आवश्यक होती है। हनुमान जी के चरण में अर्जी लगानी अति आवश्यक होती है। मैंने पहले बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ कि अर्जी किस प्रकार लगाते हैं। आप श्री हनुमान जी के चरणों में मंगलवार के दिन नहा धोकर फ्रेश होकर बिल्कुल पवित्र होते हुए पवित्र भावना के साथ में एक नारियल ले ले। नारियल के ऊपर हनुमान जी का जो सिंदूर है इसका तिलक लगा दे। तिलक लगाकर उसके ऊपर इस प्रकार कलावा बांधे, ये कलावा इस प्रकार बांधे, उसमें कुछ भी दक्षिणा जो भी आपका सामर्थ्य है उतनी दक्षिणा आप इस पर बांधे। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ 288 रुपए की अर्जी लगती है, 288 रुपए की, 288 रुपए की अर्जी लगती है। लेकिन अगर आप का सामर्थ्य 11 रुपए 11 लगाए, 21-51 जितना भी आपका सामर्थ्य है उतने लगाए, वैसे अर्जी लगती है 288 रुपए की। तो आपने ये लगाना है। बाकी आपका सबका अपना अपना सामर्थ्य है, कोई 251 की लगाई या 51 की लगाई या 21 की लगाई, जैसे जिसके सामर्थ्य है। ये अर्जी आपने लगानी है और उसको मस्तिष्क मंगलवार के दिन मस्तिष्क पर लगाना है और अपनी जो आपकी मनोकामना है उस अनुकामना को ध्यान करना है कि हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी, हे अंजनी कुमार, हे पवन पुत्र हनुमान, हे कलयुग के जागृत देवता, हे सदाशिव के 11वें रुद्र अवतार, मैं आपके चरणों में इस मनोकामना को रखते हुए, इस मनोकामना को लेते हुए आपके चरणों में अर्जी लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। जो भी मनोकामना उसको बोल दें और श्री हनुमान जी के चरणों में इस प्रकार आपने वह अर्जी इस प्रकार आपने लगा देनी है। ठीक है, ये इस प्रकार आपने अर्जी लगा देनी है। ये अर्जी आपने श्री हनुमान जी के चरणों में लगा दी। अब उसके बाद में आपने एक आपने अपने साथ में दीपक लेकर आना है। दीपक देसी घी का और चमेली का तेल का हो, थोड़ा सा चमेली का तेल एक्स्ट्रा जो हनुमान जी के लिए सिंदूर के लिए होता है, और थोड़ा सा हनुमान जी का सिंदूर और चमेली का तेल, ये सभी आपको लेकर आना है। ये हनुमान जी चरणों में आपने ऐसा बंद के बंद ही चढ़ा देना है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति या स्त्री को हनुमान जी को सिंदूर चुन नहीं ये सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, ये अपने आप नहीं चढ़ाना चाहिए। ये पुजारी होते हैं जो उन्हीं का कर्म होता है, वो ही चढ़ाते हैं अपने आप। प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, किसी स्त्री को या किसी भी गाँव में या शहर के किसी भी भक्त को अपने आप हनुमान जी को आकर सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जो मूर्ति होती है जागृत मूर्ति होती है, ये जागृत मूर्तियां होती हैं, ये जागृत होती है, इनकी हर रोज पूजा की जाती है, सेवा की जाती है, इनको नहीं छूना चाहिए। बहुत सारे साधक क्या करते हैं, कभी हाथ में लगाते हैं वहां से तिलक लगाते हैं, कभी यहाँ से तिलक लगाते हैं। बहुत सारे साधकों को पता ही नहीं कि तिलक लगाया कहाँ से जाता है। तो आज आपको बता दे रहा हूँ तिलक भी कहाँ से लगाया जाता है, हनुमान जी के पूरे शरीर में से किस जगह से तिलक लगाना चाहिए ताकि उसका फायदा हो। आप कहीं से भी तिलक लगा लीजिए उठाकर, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इस तरीके से हम भी मूर्तियों को नहीं छूते, हम भी इजाजत लेकर हनुमान जी को छूते हैं। हमारा भी ऐसा, हम पुजारी होने के बाद भी हम हर वक्त मूर्ति को नहीं छू सकते, इजाजत लेकर तब इनको छुआ जाता है, क्योंकि ये प्रभु श्री राम जी का जागृत स्वरूप होता है, इनको ऐसे नहीं छूना चाहिए। प्रत्येक साधक को आकर अपने आप नहीं छूना चाहिए। यदि कोई समस्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई और आपको तिलक लगाना है, तिलक हमेशा कहाँ से लगाया जाता है ये मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। हनुमान जी के किसी भी अंग को नहीं छूना चाहिए, सिर्फ एक जगह से आप तिलक लगा सकते हैं। कैसे, दाएं पैर के अंगूठे से, दाएं पैर का जो अंगूठा है उसको इस उंगली से सिर्फ आप छुए, इसको छुए, इससे आप तिलक लगा सकते हैं बस। इसके अलावा आप हनुमान जी को कहीं से नहीं छू सकते, आपको किसी शरीर से नहीं छूना चाहिए। ये जागृत मूर्ति होती है, ये क्या कोई भी मूर्ति को नहीं छूना चाहिए, वो पुजारी का काम है। आपने हनुमान जी के चरणों में जो अर्जी लगा दी है, हनुमान जी चरणों में सिंदूर चढ़ा दिया है, चमेली का तेल चढ़ा दिया है, वो आपका स्वीकार हो चुका है। वो पुजारी का काम है कि वो कब उसको खोलकर चढ़ा देगा, किस समय चढ़ाएगा, ना चढ़ाए, चढ़ाए ना चढ़ाए, आपका काम खत्म होगा। आपने सिर्फ हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगानी है, बाकी काम पुजारी का है। साथ ही आपने जब भी मनोकामना के लिए प्रयोग करें तो फल हमेशा लेकर जाए, ये ध्यान रखना। फल, फल में क्या लेकर जाना है आपने, आप फल में आप केले ले जा सकते हैं, केले, या फिर आप अनार लेकर जाएं, ध्यान से समझ ले, अनार लेकर जाएं, या फिर लाल सेब लेकर जाएं, लाल
सेब लेकर जाएं, लाल सेब ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, या फिर आप केले लेकर जाएं श्री हनुमान जी के चरणों में अवश्य चढ़ाना चाहिए। और एक फल नहीं चढ़ाना चाहिए, भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमेशा दो फल तो कम से कम चढ़ाना चाहिए, ज्यादा आपके सामर्थ्य है, दो केले, दो अनार या फिर दो सेब, दो चढ़ाने चाहिए, एक नहीं चढ़ाना चाहिए, ध्यान रखना एक मन नहीं चढ़ाना चाहिए, वो फल आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। धूप दीप जलाना चाहिए और साथ ही वहीं पर बैठकर आपने श्री रामचंद्र जी का सुमिरन करना चाहिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। वैसे श्री रामचंद्र जी का जो मंत्र प्रचलित है और ज्यादातर जो गायब परिमंत्र प्रयोग किया जाता है वह है ओम श्री राम रामाय नमः, ओम श्री राम रामाय नमः, ओम श्री राम रामाय नमः, ये बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। यदि आप इसका जाप कर सकते हैं ये करें तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के धुन से ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, आप चरणों बैठे थोड़ी देर मंदिर में किसी भी कोने में बैठ जाएं, जय श्री राम की धुन आप रखें, थोड़ी देर हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें, उसके बाद हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको यदि आप मंदिर में ज्यादा देर नहीं बैठ सकते तो कम से कम 21 बार तो मंदिर में बैठ के आप इस मंत्र को आपको पढ़ ही लेना चाहिए, मंत्र क्या है। और फिर घर आने के बाद में आपने एक माला से, एक रुद्राक्ष की माला आपको ले लेनी है, आपने 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, 108 बार जरूर करना है, 108 बार कम से ही, 108 बार तो कम से कम करना ही करना है घर पर आने के बाद। यदि मंदिर में ही कर सकते हो तो अत्युत्तम है, यदि मंदिर में बैठ के 108 बार जाप कर सकते हो तो अत्युत्तम है, नहीं कर सकते तो कम से कम 21 बार तो मंदिर में बैठ के जाप कर ही लेना चाहिए, कम से कम 21 बार करना चाहिए, बाकी घर पर आकर एक माला जाप आपको करना ही करना है। मंत्र आप सुन लीजिए, मंत्र है, मंत्र ध्यान से सुन लीजिए, ओम महाबलाय वीराय चिरंजीवन उद्गते हरणे वज्रदेहाय चोलांदित महामात्महे नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा, ओम महाबलाय वीराय चिरंजीवन उद्धते हरणे वज्रदेहाय चोलांदित महात्महे नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। तो ये मंत्र है, इस मंत्र का आपने जाप करना है, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है, मनोकामना मंत्र प्रयोग है, इस प्रयोग को आप करें और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यह प्रयोग कितने दिन करना है आप इसको समझ लीजिए, यह प्रयोग आपको कम से कम 21 मंगलवार करना है, ध्यान रखना 21 मंगलवार यह प्रयोग करना। मंगलवार के दिन आपके लिए लहसुन प्याज बिल्कुल वर्जित रहेगा, लहसुन प्याज मांस मदिरा इत्यादि बिल्कुल वर्जित रहेगा, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात जो विशेष गुड़ रहस्य की बात है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर बहुत सारे साधक कमेंट्स करते हैं तो मैं आपको बता दूँ, यदि आप शादीशुदा हैं तो आप लेडीज हैं तो भी, जेंट्स हैं तो भी, अपने पति या अपने पति को या पति अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य के साथ में कुदृष्टि बिल्कुल ना डालें। यदि आप दूसरे व्यक्ति दूसरी बहन बेटी की तरफ कुदृष्टि डालते हैं या स्त्री दूसरे पुरुष की तरफ कुदृष्टि डालते हैं और इस प्रयोग को करते हैं इसका कोई फायदा नहीं होगा, मैं आपको पुनः बता दे रहा हूँ, अपने पति को छोड़कर या अपनी पत्नी को छोड़कर आप दूसरे की तरफ गलत दृष्टि नहीं डाल सकते, इस प्रयोग में विशेष इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और आपको मांस मदिरा या आपको लहसुन प्याज इत्यादि का बिल्कुल वर्जित रहेगा, मंगलवार के दिन ये चीज़ बिल्कुल वर्जित रहेगी। वैसे भी हमारे शास्त्रों के अनुसार मांस मदिरे का भक्षण करना शास्त्र विरुद्ध बताया गया है, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। मदिरा एक औषधि के रूप में बताई गई थी लेकिन लोगों ने इसका गलत प्रयोग करने लगे, गलत प्रयोग करते चलते अपने घर परिवार का नाश कर बैठे हैं, इन चीज़ों का सर्वदा त्याग देनी चाहिए, बिल्कुल त्याग देनी चाहिए। और किसी भी जीव जंतु का मांस का भक्षण करना शास्त्र विरुद्ध ही नहीं महापाप भी होता है, किसी जीव जंतु के हमारे कारण यदि हत्या हो रही चाहे वो एक अंडा ही क्यों ना हो तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा पाप का कारण बनता है, इन चीज़ों से हमें अक्सर दूर रहना चाहिए, इन चीज़ों को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। संसार में एक से बढ़कर एक खाने पीने की चीज़ें बनी पड़ी है, एक से एक बहुत स्वादिष्ट चीज़ें बनी पड़ी है, आप उनको खाइए, आप दूसरी निर्जीव चीज़ों निर्जीव जीवों को क्यों हत्या करने पर तुले हुए हैं, क्यों उनका पाप अपने से मरते हैं, तो इन चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। आप इस प्रयोग को करें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, आपकी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन भाई श्रद्धा विश्वास होना अति आवश्यक है, यदि आपके मन में श्रद्धा विश्वास ही नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, श्रद्धा विश्वास के साथ ही सब कार्य होते हैं। और एक बात मैं आपको पुनः बता दे रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आती है, बहुत सारे लोग डिस्कस भी करते हैं, अपने अनुभव जो आपको स्वप्न में अनुभव होते हैं सबको शेयर नहीं करने चाहिए, जितने आप लोगों को बताते रहेंगे कि मेरे साथ में ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है, मुझे हो रहा है, उतने ही ज़्यादा आपके में आभास होने में अनुभव होने कम होते चले जाएंगे, इसलिए ज़्यादातर मैं अपने आभास किसी को नहीं बताता। सभी भक्तों को जय श्री राम।